हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा 27th ट्यूटोरियल है आयोनिक 3 का, जिसमें हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल इवेंट्स की। देखिए फ्रेंड्स, लाइफ साइकिल इवेंट्स वो इवेंट होते हैं जो किसी भी पेज की लाइफ साइकिल में एग्जीक्यूट होते हैं, और आयोनिक हमें कुछ लाइफ साइकिल इवेंट प्रोवाइड कराता है, जैसे कि आपका आयोनिक व्यू कैन एंटर, डिड लोड, विल एंटर, डिड एंटर, कैन लीव, विल लीव, डिड लीव और विल अनलोड। इनको हम वन बाय वन समझाएंगे, कब इनका यूज़ करते हैं, कब इनका यूज़ नहीं करेंगे, और जब हम एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं तो कौन कौन से आपके लाइफ साइकिल इवेंट चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आपका एक लाइफ साइकिल इवेंट नहीं है, ये क्या होता है, आयोनिक ज़्यादा प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जो आयोनिक ज़्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी लिस्ट आपको नीचे दे रखी है, कैन एंटर, विल लोड, विल एंटर, ये सब आपके लाइफ साइकिल इवेंट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्टर के बारे में बता देते हैं। कंस्ट्रक्टर आपका एक लाइफ साइकिल इवेंट नहीं है, और सबसे पहले ये फायर होता है, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, इनिशियल वैल्यू या फिर अगर आप कोई नेविगेशन पैरामीटर को रिट्रीव करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस होता है ये, और सिर्फ ये लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार आपका चलता है, और इसमें आप इनिशियल वेरिएबल्स रख सकते हैं। सेकेंड आपका आता है आयोनिक व्यू कैन एंटर ऑप्शन, ये आपका बूलियन वैल्यू लेगा, ये ट्रू लेगा या फॉल्स लेगा। और ऐसा ट्रू और फॉल्स क्यों लेता है, क्योंकि ये परमिशन चेक करता है कि यूज़र को परमिशन है एंटर करने की या नहीं है। और ये क्या करता है, एवरी टाइम फायर होगा, जितनी टाइम आप पेज को क्या कहते हैं लोड करवाएंगे उतनी टाइम ये आपसे परमिशन आस्क करेगा या फिर परमिशन को चेक करेगा कि आपने सही यूज़र को लॉगिन किया है या नहीं। अगर आप एज रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि 18 प्लस ही इस पेज पर्टिकुलर पेज को एक्सेस कर सकें, तो वो ये चेक करेगा कि आपका एक आप 18 प्लस है या नहीं, जितनी बार उस पेज में आप नेविगेट करेंगे। सेकंड आपका जो ऑप्शन आता है वो है आयोनिक व्यू डिड लोड। ये क्या करता है आपका, ये जितने भी इंटरनल सेटअप होता है उनको स्टार्ट करता है, सारा क्या कहते हैं जो हैवी लिफ्टिंग होती है, जो सारा डाटा का कोड होता है, जो डाटा हैवी डाटा होता है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उसका कोड यहाँ पर, और ये सिर्फ लाइफ साइकिल में एक बार ही रन होता है। उसके बाद आता है आयोनिक व्यू विल एंटर। देखिए इसमें क्या करते हैं आप, जो आपके जो पेज दिखने वाला होता है, शो होने वाला होता है यूज़र को, उसकी उससे पहले के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें आप कंप्लीट करते हैं, और ये सिर्फ क्या करता है एक टाइम ही आपका कहते हैं ऐसा, ये एवरी टाइम जितनी टाइम्स आप ये पेज में जाएंगे उतनी टाइम ये फायर होगा। इसमें आप कौन सा डाटा रख सकते हैं, जैसे रिफ्रेश करने वाला डाटा, अपने डाटा बेस से कोई डाटा उठा रहे हैं उसको आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा जितनी बार यूज़र आएगा, ताकि आप उसको फ्रेश डाटा दिखा सकें, बिल्कुल नया डाटा दिखा सकें, उसका कोड आप यहाँ पर विल एंटर में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, विल एंटर के बाद आपका आता है डिड एंटर। इसमें डिड एंटर में क्या होता है, जब आप 100% आपका सारा बैक एंड की प्रोसेस हो जाती है, सारा आपका वर्क फिनिश हो जाता है, उसके बाद डिड एंटर का कोड आता है। इसमें 100% एक्टिव पेज, इसका मतलब यह है कि आपका पेज बिल्कुल एक्टिव है, उसमें और कुछ लोड नहीं करवाना है, और पेज फुली व्यूड हो रहा है, आपका सारा काम आपका फिनिश हो चुका है, और ये एवरी टाइम आपका चलते फायर होगा जितनी टाइम आप चलते पेज में जाएंगे। उसके बाद आता है आपका आयोनिक व्यू कैन लीव। कैन लीव ये कब स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट तब होता है जब आप पेज एक पेज को छोड़ के दूसरे पेज में जाते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सेम है आपके, जैसे कि आपका ये था आपका कैन एंटर, वैसे ही आपका कैन लीव भी होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है। वो स्टार्टिंग में आते वक्त, पेज में आते वक्त आपकी परमिशन चेक करता है, ये जाते वक्त ये कोड आप कब यूज़ कर सकते हैं, इसका कोड जैसे ही लेटर, सपोज कीजिए आप कोई फॉर्म बना रहे हैं, उस फॉर्म में डिटेल फिल करिए और उसमें बिना सेव करे वो सेकंड पेज में जा रहा है, तो आप उसे वार्निंग दिखा सकते हैं कि क्या बोलते हैं आप नहीं छोड़ के जा सकते, वरना आपका जितना भी डाटा है वो आपका डिलीट हो जाएगा, इसको सेव कीजिए फिर आप जा सकते हैं। उसमें भी आपको बूलियन वैल्यू लेनी पड़ेगी, ट्रू या फॉल्स, और ये एवरी टाइम जितनी टाइम्स आपका पेज लोड होगा उतनी टाइम ये फायर होगा। उसके बाद देखिए आयोनिक व्यू विल लीव, ये भी आपका क्या है अपोजिट है, जो विल एंटर होता है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, उसका अपोजिट काम करता है ये कब फायर होता है, जब पेज को व्यू से रिमूव करना होता है और प्रीफेच करना होता है डाटा को नेक्स्ट पेज के लिए, जैसे नेक्स्ट पेज जो आ रहा है उसके लिए कुछ डाटा फेच करना पड़ेगा आपको, उसका कोड आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये भी एवरी टाइम आपका फायर होता है। उसके बाद आता है आपका आयोनिक व्यू डिड लीव, ये क्या करता है, देखिए पेज नो लॉन्गर विजिबल, इस केस में आपका पेज विजिबल नहीं होता है, और सारे जो व्यू के अपडेट होते हैं वो कैंसिल कर सकते हैं आप यहाँ पर, और इस क्या करता है एवरी टाइम आपका फायर होता है। उसके बाद आता है आपका आयोनिक विल अनलोड, ये देखिए जब आप लीव कर लेते हैं उसके बाद
जो उस पेज की इंफॉर्मेशन होती है उसको ये अनलोड कर देता है। जैसे आपकी मेमोरी में इंफॉर्मेशन होगी उससे पहले वाले पेज की, तो उसको ये अनलोड कर देगा और ये सिर्फ एक बार चलता है। अब बात आती है कि जब हम एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं तो कौन कौन से आपके लाइफ साइकिल इवेंट एग्जीक्यूट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेट अस, ये देखिए ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा एक पेज है, ये हमारा सेकेंड पेज है। सपोज़ कर लीजिए इसे, ये अबाउट जो पेज है यहाँ पर, इसको हम सेकेंड पेज सपोज कर लेते हैं। तो जब होम पेज से अबाउट पेज में जाएंगे तो कौन कौन से सबसे पहले आपके लाइफ साइकिल इवेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो देखिए आयोनिक व्यू, कैन लीव, क्योंकि आप लीव कर रहे हैं पेज को, तो कैन लीव सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर विल लीव होगा और फिर डिड लीव होगा। जब आप पूरा लीव कर चुकेंगे तो उसके बाद डिड लीव होगा। सबसे सुन लीजिए फिर से, कैन लीव, विल लीव और डिड लीव लाइफ साइकिल इवेंट जब एक पेज से दूसरे पेज में जाएंगे। और जब दूसरे पेज में एंटर करने वाले होंगे तो कौन कौन से चीज़ चलेगी आपकी। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर चलेगा आपका, वो एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले बिगनिंग में वही एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद कैन एंटर, वो आपकी परमिशन चेक करेगा कि आप एंटर कर सकते हैं या नहीं। डिड लोड, डिड लोड आपका क्या करेगा, डाटा सा पूरे डाटा को लोड करेगा। उसके बाद आता है आपका विल एंटर, आप एंटर करने के लिए क्या क्या आपका डाटा शो होना चाहिए उसकी प्रोसेस हो यहाँ पर कंप्लीट होगी। उसके बाद होगा डिड एंटर, ये सब आपकी प्रोसेसेस कंप्लीट होंगी। उसके बाद देखिए जब आप पेज टू से पेज वन पे जाते हैं, बैक जाते हैं, जैसे अबाउट से फिर से होम पेज में जाते हैं, ये पेज वन समझ लीजिए, पेज टू, जब पेज टू से पेज वन में जाएंगे तो कौन कौन से लाइफ साइकिल इवेंट होंगे। तो देखिए पेज टू को आप लीव कर रहे हैं तो सबसे पहले कैन लीव होगा, विल लीव और फिर डिड लीव होगा। और जब देखिए जब आप इसे लीव करेंगे सेकेंड पेज को, तो ये अनलोड भी हो जाएगा क्योंकि दोबारा इसमें आने की आपको जरूरत जब नहीं होगी, तो मेमोरी को फ्री कर देगा ये। उसके बाद देखिए जब आप सेकेंड पेज से फर्स्ट पेज में जाएंगे तो आपके कैन लीव, विल लीव, डिड लीव और अनलोड के बाद आपका क्या होगा, जब आपको फर्स्ट पेज में आना होगा तो सबसे पहले कैन एंटर, विल एंटर और डिड एंटर होगा। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि क्या बोलते हैं, जब आप फर्स्ट पेज से सेकेंड पेज में जा रहे हैं तो सबसे पहले कैन लीव, फिर विल लीव, फिर डिड लीव, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर, फिर कैन एंटर, डिड लोड, विल लोड और डिड एंटर, ये सब वन बाय वन ऐसे एग्जीक्यूट होंगे। ऐसा नहीं होगा, ये किसी भी क्या कहते हैं आपके किसी भी ऑर्डर में आपके एग्जीक्यूट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी सारी अपडेट ले सकें। थैंक यू, गुड बाय।